मक्का मुकरमा में खिलाफे काबा की तब्दीली के रूह परवर तकरीब के दौरान खालिस सोने चांदी के तारों और 670 किलोग्राम खालिस रेशम से तैयार करदा खिलाफे काबा तब्दील कर दिया गया। हज बैतुल्ला के मौके पर खाना काबा का गिलाफ तब्दील करने की पुरनूर और पुरवकार तकरीब मुनक्द हुई, जिसमें कलीद बरदार काबा मुंतजमीन सऊदी हुकाम और गिलाफ साज कस्बा फैक्ट्री के जिम्मेदार भी शरीक हुए। नौ ज़िलहज को हर साल गिलाफ़े काबा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब आज़मीन के अराफात पहुँचने पर मुनक्कद की जाती है। तहम इस बरस गिलाफ़े काबा की तब्दीली का अमल नौ ज़िलहज नमाज इशा के बाद सरंजाम दिया गया, जो नमाज फज्र तक जारी रहा। गिलाफ़े काबा की तैयारी में 120 किलोग्राम खालिस सोना, 1000 किलो चांदी जबकि 670 किलोग्राम खालिस रेशम का इस्तेमाल किया गया है और उसकी तैयारी पर 70 लाख सऊदी रियाल के करीब लागत आई। गिलाफे काबा की लंबाई 50 फीट और चौड़ाई 35 से 40 फीट है। गिलाफे काबा के चारों कोनों पर सूरा इखलास मुनकश है। उसके अलावा गिलाफे काबा पर मुख्तलिफ आयात कुरानी पर मुश्तमिल 16 पट्टियाँ अलग अलग से जोड़ी गई हैं। मक्का मुकरमा की दारुल कस्बा फैक्ट्री में तैयार किए गए गिलाफे काबा पर कुरान पाक की आयात को सोने चांदी और खालिस रेशम से तहरीर किया गया है। अल्लाह ताला के जिक्र तवाफ और इबादतों में मसरूफ हजारों आज़मीन ने बराह रास्त गिलाफे काबा को तब्दील होते हुए देखा, जबकि करोड़ों मुसलमानों ने बराह रास्त तकरीब टेलीविजन और इंटरनेट पर भी देखी। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह।